की बहन इतना अच्छा खाना बनाती है ना भाई साहब, इसीलिए मेरा भी दिमाग था खाना। ये है कपल, ये कपल नहीं है मतलब ये है दुल्हन। नगेट्स है, फ्राइज लोडेड, दही की चाट, पूजा की शक्ल, फेवरेट कुन्ना, सो गुड। हम इसीलिए आए थे यहाँ पर। अब डरा दो दादी को, डरा दो। परेशान कर दिया रात को है? मैं आज खाना बाहर खाना भूल गया, तो मैंने कहा मम्मी कुछ बना दो, मम्मी 12 बजे लग गई बनाने। ओ माँ जैसा कोई नहीं है, सच में सच में। 10 बज रहे हैं, नींद आ रही है। क्यों भाई साहब? माशू गुड मॉर्निंग, पापा बाइक चला के भी आ गए, संडे से ज्यादा फायदा ये उठाती है माशा। अच्छा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पापा चेंज कर रहे हैं, फिर आपको आके खाएंगे पापा थोड़ा सा, ठीक है? गुड मॉर्निंग। बाहर यकीन मानोगे कितनी ज्यादा गर्मी है, और सोचो बाइक चला के कितनी धूल लगती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा हैंकी है, साफ है, अब देखना मिट्टी। दिल्ली की सड़कें अगर दिख रही होगी, काला सानी छाट होगी, इसको थोड़ा सा और रोकूंगा ना, वैसे भी मिट्टी आती है, ऐसे आएगा भर भर के एकदम, सारी मिट्टी जो सड़क पे उड़ रही है। बहुत गर्मी है पर मज़ेदार। आज मैंने 3 महीने बाद, एग्जैक्ट मैंने 30 जून को बाइक भेजी थी, आज कितना सितंबर है, 29 सितंबर, पूरे 3 महीने बाद मैंने बाइक चलाई है, वो भी एक दोस्त की, क्योंकि सर शोरूम रेनोवेट हो रहा था, तो उसने कहा भाई अपने घर पे बाइक खड़ी कर ले, तो ये बाइक मैं ले आया। मैं जल्दी से किसी की बाइक चलाता नहीं, पर दोस्त है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ज़्यादा दोस्त में चलता, बाकी बाइक पे ना आई फील अलाइव। सबसे ज़्यादा हैप्पी पार्ट ना मेरा बाइक है, माशा और शाही के बाद ही बता रहा हूँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ में। फ्लाइंग बी सेपरेशन वीडियो आई है यार, ये सारे तो क्लिकबेट होते हैं भाई, सेपरेशन पे नहीं इंस्टाग्राम पे भी वो रिसेंटली पोस्ट हो, मुझे लगता है लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि मैंने 2-3 कपल देख लिए, कह रहे सेपरेट हो रहे सेपरेट हो रहे, इन द एंड वो साथ हो जाते हैं कि हमने दूसरे को माफ कर दिया। मजाक चल रहा है भाई, ये मजाक बना दिया क्या, कि अगर दोनों मियां बीवी कमा रहे हैं, दो डिपेंडेंट लोग हैं, साथ में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, लड़ाई हो गई तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सीधा अलग हो रहे हैं, मजाक बन गया सोशल मीडिया पर शादी का यार। सच में मत करो शादी, अकेले रह लो, ये क्या है कि 2 महीने शादी की, लव मैरिज करके पहले कपल गोल सेट कर दिए, जब कपल गोल सेट होने लगे तो फिर डाइवोर्स ले लिया। खुशी और वो विवेक वाला भी तो इसी में हुआ था, अब दोनों से दोबारा साथ में, 3 महीने तक सेपरेशन की खूब वीडियोस आई, मैंने डाली, 3 महीने गया, फिर यही हो गया यार, शादी का मजाक मत बनाओ यार, हर शादी हो गया आपको। पापा नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए आपको, क्यों पापा क्यों नहीं चाहिए आपको, पापा से प्यार नहीं करते आप, नहीं करते पापा से प्यार नहीं करते, नहीं करते पापा पर नाराज है, पापा को मनाओगे तभी पापा मम्मी को बुलाएंगे। अच्छा बुला रहा हूँ, शाय बात मत करना, इसने बोला है पापा से प्यार नहीं करती, पापा नहीं चाहिए मम्मी चाहिए। नहीं कहते बेटा, पापा बहुत अच्छे होते हैं, बिना पापा के कैसे चलेगा, रात को तो बहुत प्यार करती, दिन में आपके पास भाग जाती है, ये क्या मतलब है? और सुनो बात, सुबह उठ के हमेशा मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, रोना नहीं चाहिए। आपको पता है मैंने सपने में क्या देखा? मैंने सपने में देखा एक बड़ा सा भूत था, अच्छा आप समझ आया दिमाग में क्यों चल रहा था भूत, कल रात को मूवी देखी लास्ट, वो 5 हाथ वाला स्कैरी सा क्रिएचर देखा था, वो माइंड में चल रहा था ना माइशो, वो कैसे चल रहे थे अंकल? लेकिन मुझे लगता है लोग भूल जाए, तो मैंने कहा चलो आज मैं बता ही देती हूँ, मासा का मतलब है माँ फॉर मयंक साफ और साइमा, ये मासा का व्लॉग, पर लोगों ने टाइटल मुझे दे दिया न मासा, शायो मैं मासा हूं, साइमा हूं, दोस्त मुझे मासा बुलाते हैं, देना थोड़ा क्लियर कर देना, सबको क्लियर है। आज मटर पनीर दूंगा, क्या मटर पनीर क्यों, मटर पनीर क्यों, आज हम हैं नहीं घर पे, आज हम लंच के लिए घर पे हैं नहीं, तो था वो पूजा उसको बुलाया ना, इनवाइट किया अदर में, तो अदर घर पे लंच बुला रहे हैं, तो आपके लिए बन जाएगा मम्मी, आज देखो मैं मैच चल रहा है, सोने के लिए मैंने कहा था 11 बजे क्या बना रहे हो, यार मम्मी कह रही है कमाक्षी बनाएगी सब्जी, कमाक्षी की शादी तो सर शादी के लिए ट्रेन कर रही हूँ, सभी को तू भी सीखेगा, अरे मैं तो शायद कहता हूँ मुझे 2-3 मैंने चाय सीखी, मेरे को चाय बनान पीनी नहीं आती, मेरे को चाय का टेस्ट नहीं पता, पर मेरे से अच्छी इस घर में चाय कोई बना नहीं सकता है, किसके लिए सीखी मैंने चाय, मैंने चाय किसके लिए सीखी है भाई बताना,
नहीं मेरे को दो सब्जी बनानी सिखा दो बढ़िया सी, जिसको मैं कभी भी बना के खिला दूं। प्याज की सब्जी सीख लो, वेरी। नहीं नहीं मेरे को एक सिखा दो भिंडी बनाना कि मैं अपनी खुद की बना लूं, मुझे बहुत पसंद है। एक मुझे सिखा दो पनीर, ये दो चीज सिखा दो बस। एक शाही पनीर सिखा दो और एक प्लीज भिंडी बनाना सिखा दो, ये दो चीज सिखा दो बस। मुझे शाही ने चाय सिखाई और मेरे इस घर के में मैं कभी अपनी चाय टेस्ट नहीं की, मैंने किसी की भी नहीं की, मुझे चाय का टेस्ट नहीं पता, पर मेरे से अच्छी चाय इस घर में कोई बना नहीं सकता। प्लीज सब्सक्राइबर को घर बुलाऊंगा ना तो उसको बना के पिलाऊंगा, अब बताना कैसी है। A few moments later. सुबह ना आने के बाद तो मैं सो गया था, तो मैं 4 बजे उठकर रेडी हो गया था, तो आके मैं सो गया 12:30 बजे उठा, रेडी हुए हैं बिरयानी पे की दावत पे जा रहे हैं, अजहर के घर पे जा रहे हैं। कि हम लोग इंडिया ऐसे है ना कि अगर हिंदू है तो पनीर सोचते हैं, मुस्लिम है तो बिरयानी सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जिनके लिए आज खाना रखा है वो वेज है, इसलिए वेज मिलेगा। बाकी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फाइनली मेरा पासपोर्ट आ गया है, मेरा पासपोर्ट भी बन गया है। जो दिक्कतें थी वो सारी ठीक कराने में काफी टाइम लग गया, वो मैंने पहले दिल से किया भी था, अब मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया नहीं, अब बिल्कुल पीक टाइम है, हमें फॉरन जाना चाहिए। पासपोर्ट बन गया, अब आप लोग सजेस्ट करना कोई फॉरेन कंट्री बहुत सही बजट में, कम बजट में, मतलब क्यों अभी हमारा थोड़ा सा बजट ना हिला हुआ है, घर बार अपना बेडरूम वगैरह तैयार करना, तो लोग बताएंगे ठीक है एक्सपीरियंस से, जो अगर आप लोग गए फॉरेन तो चीप से चीप मतलब सस्ता, जो अच्छा और सस्ता हम घूम सके फॉरेन ट्रिप पहली अपनी एनिवर्सरी पे, ठीक है मेरी और शाही की, डन। मैंने अभी साफ की थी तो सारी फूट गया सर, कुछ नहीं हुआ सर, चले लेट गो। यार अंगूठियां फिर ले क्यों रखी हैं और क्यों मुझसे ली, क्यों मेरा भी खर्चा करा है, अच्छे बड़े बड़े इवेंट में अंगूठी भूल जाती है। आपका पति कहाँ है पहली बात तो, कैसा पति लिया जो संडे को ऑफ नहीं होता? हाँ मतलब कैसा पति चुना, सेल्स वालों की कभी संडे को छुट्टी नहीं हो सकती, आपको पता है किसी भी लाइन का सेल्स में सेल्स कहां से आएगी तुम्हें? हाँ क्योंकि संडे को जैसे बंदे छुट्टी लेके बैठे तो सेल्स वाले उस दिन काम कर रहे होते हैं, परेशान करने का ठेका सेल्स वालों का होता है। चले माशू सदा सेल संडे को ही होती है, वो कहते हैं ना सेल, सेल वालों को एक चीज बोली जाती है जान मांग लो 6 दिन दे देंगे, संडे को छुट्टी मत मांगना बस। ले हाँ सच में ये बोला जाता है, संडे को छुट्टी नहीं मिल सकती है। खाना चलो खाना चले चले बिरयानी खाने चले चलते हैं। मैं यही बोल रहा था हम कितने हिपोक्रेट कहते हैं ना भाभी चीजों की, मुस्लिम में तो बिरयानी बोल दो कि चले बिरयानी खाने, स्टीरियोटाइप है स्टीरियोटाइप। और अगर वेज अगर कहीं हिंदू भी जा रहे हैं तो पनीर मिलेगा, आलू फोड़ के मिलेगी है, वेज है पूरा का पूरा, भंडारे में जा रहे हैं भाई। मैं सच में वो बहन के हाथ का खाना ही खाने जा रही हूँ बस, वरना जहाँ मेरा पति है मैं नहीं जाती वहाँ। नहीं नहीं ये अजहर की बहन की बात हो रही है, अजहर की बहन अच्छा खाना बनाते हैं ना भाई साहब, इसीलिए मेरा भी दिमाग था खाना नहीं होंगे पर मत खाना। आप पहले भी गए हो तो भाभी आप तो? नहीं अकेले नहीं गई, अकेले नहीं गई, अक्षय हमेशा होता है, पर इस बार ना पहली बार अजहर की संडे को छुट्टी मिली, सोचो अजहर भी सेल्स में, उसको मिल गई गलती से क्योंकि उसने किसी और की छुट्टी दे दी थी। हाँ किसी ने मांग ली थी इसकी छुट्टी, किसी ने दे दी, अभी तो टीम लीडर ले सकता है ना, अब तो ये भाई साहब सेठ आदमी हो गए। याद है आपने इसके थंब पे पानी लगा के एक्टिंग की थी कि दवाई लगा रही हूँ, ये पहले सूंघती है कि आपने लगाई नहीं लगाई, जब आप चले गए ना मेरे कहती देखो पापा मम्मी ने नहीं लगाई, पी के दिखा रही है सच में ऐसे कर रही है, देखो मम्मी ने नहीं लगाई, सूंघती है जैसे आप दवाई लगते हो पैसे से पहले सूंघती है कि आपने लगाई नहीं लगाई। हाँ लगा लो कर लो आपको लगता है, लाइयो कद्दू लाइए ले 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 ले, कोई डर है उसको, उसको पता है इसका, इसका चल के डॉक्टर के पास थम 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 में इंजेक्शन, थम कटवा दे इसका इंजेक्शन क्या होता है, थम ही कटवा दूं? हाँ ना रहेगा चलो थम चाहिए थम थम ले लेंगे, क्या करूँगी। हाँ चलो हम डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर पे लगा दो, मैं डॉक्टर पे लगा लो, ये ले ले लो लो लो, पैर का थम भी है, पैर का पी लूंगी बोल दो, ये बढ़िया था पैर का पी लूंगी, पैर का पी लूंगी, कितना अच्छा सिखाता है। मैंने सो कल रात को सिखाया गन से पॉइंट करे कि बुआ को बोलो हैंड्स अप, हैंड्स अप करे फिर गोली मार दी, पापा को कर दे हैंड्स अप फिर गोली मार दी, गन दिखाते हैं ऐसे करके, पहले तो फिंगर से गन दिखा दो, हैंड्स अप हैंड्स अप। ठीक है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इनके घर आए हम, ये है कपल, ये कपल नहीं है मतलब ये है दुल्हन, हेलो ये बंटू है यार, पलक लो देखो इत्तेफाक देखो, जो पकड़ी है तो इनको भी पकड़ ले सबको, चलो चलो चलो, हर बार किचन का क्यों देते हो बेचारा, अजहर के लिए कोई कुछ नहीं लाता, अजहर तेरे को डिनर पर तू बुलाता है बेचारा, तेरे लिए कुछ नहीं आता, सब किचन का भर भर के सामान ले आते हैं। चलो यही हमारी शेफ, चेयर ऐड हुई है, अच्छा टेबल थी, हाँ टेबल थी, मायशु ओ मेरा बेटा कितना अच्छा है देखो मायशु को, तो मायशा एक सेकंड उसको उठा कर, पर सॉक्स भी उतारी उसने यार। मायशु हेलो बोलो नानी को, मायशु वो ढूंढ रही है, नानी की तरह दिखती है ना, नानी बोल दो, देख रही है मेरी हाथ थोड़ी थोड़ी सा मिल रही है,
इसे देख। हाँ टीवी ऑन कर दो। ऊकर भी नहीं। हेलो वेलकम होम। मैंने बता दिया कौन सा किसका। कितना सुंदर है ना, पता ही पैकिंग पेपर नहीं है, वॉल पेपर है मेरे घर का बच्चों का। सो गुड, हम इसीलिए आए थे यहाँ पर। किसके अरे बेटा क्यों नाराज हो गया, मैंने गुस्सा किया आपको। अच्छा ले लो, क्या लेना है बताओ इसमें से। चलो ले लो ले लो। गम तो नहीं है। एवरीथिंग सो गुड। अब बनाया उसने। ऐसी पार्टी हमेशा चाहिए। खुद बनाया है खाली लाके। वो खुद बनाती है मयंक। क्या बातें कर रहे हो। बाहर से नहीं, इसलिए ज्यादा हेल्दी है, हम सब खा सकते हैं। बहुत अच्छा है ना, प्रियांशु बताएगा। A few moments later. Bye bye. Bye bye. चलो भाई, कोई पहला कदम बनना पड़ेगा तभी सारे बढ़ेंगे ना। मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं। चल छोड़ गया। बड़े हो गए, अब तो निकाल लो। इससे दो गन और आ जाएंगे। हाँ 500 500। अभी तो सो गई, तो उठ कैसे गई? क्यों क्यों उठा क्यों दी, उठा क्यों दी? रात को ना सोएगी। अच्छा रोई। अच्छा चल ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं रोना नहीं, कच्ची नींद उठा दिया मम्मी ने, क्योंकि अगर ये अभी सो गई, टाइम देख लो भाई, ठीक है 6 बज रहे हैं, ये रात को 2 बजा देगी और कल स्कूल जाना। मैशू स्कूल जाना, फिर सुबह स्कूल। मैशू बेटा गाड़ी चलाएंगे। पापा किसी करते आपको क्या करना है? क्या हो गया पापा किसी करते हैं? अच्छा अच्छा, अरे नहीं वो सपने में। इसने वहाँ बहुत मजे किए, पार्क में खेली है। ये पार्क में खेली बहुत अच्छे, इसने बहुत मंकी देखे, और जितने मंकी देखे और गन से भी खेली, गन से भी। अरे वो अजर, वो आपकी वो कौन बहन ने वो आपको खिलाई थी ना, वहाँ पे बहुत सारी इमली वाली टॉफी भी खिलाई आपको ना। हाँ बहुत इमली वाली टॉफी। इसी जेब में पैसे हैं देखो, मेरे लिए टॉफी क्यों नहीं लाई? अरे इसकी मम्मी ने ले लिए। आपको दादी को देने चाहिए थे ना पैसे। अरे सुबह पता नहीं क्या कह रही थी कि हाँ इसके बाक्षी को ना कहीं जाना था बाहर बिल्डिंग में। पापा ने कहा पजामा पहन ले, तो शायद ने दे दिया। कह रही मेरे मम्मी का वो पजामा क्यों पहन रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा बुआ ऐसे शेयर करते हैं बेटा, मम्मी ने मुझे दिया। तो कह रही आपको तो देना चाहिए ना फिर मेरी मम्मी को। बिल्कुल सही बात बोली, ये हुई ना बात। घर में क्या देखने गए थे, क्या क्या देखने गए थे? उसमें सिर्फ किचन दिखाया था कि किचन में टेल कहाँ तक लगानी है। पूरी लगवा दूँ? नहीं पूरी नहीं, स्लैब उस तक नीचे जैसे नॉर्मल लग, जैसे अभी लगी हुई है वैसे। हाँ, ही ना बस वैसी। हाँ। बाकी तो फिर वो बोर्ड से छुप जाएगा ना। मायशो हमने लास्ट व्लॉग देखा, हम बात कर रहे हैं पीछे इतनी चिल्लाने की आवाज है, इसकी बहुत चिल्लाने की आवाज है कि हमारी बात नहीं सुनाई दे रही। चलो आप सो जाओ। अरे तेरे पूजा चाची नीचे आ रखी, चल चाची के पास चला। चलो आप पूजा चाची से मिलते हैं। चलो आ रखी नीचे, रखी आप सो गए थे बेटा, नीचे ही है प्रियांशु चाचा भी और पूजा चाची भी नीचे है। कह रहा है मेरा बच्चा आज पापा के पास आता मुझे वीडियो दिखाओ। क्यों बापू मैं वीडियो क्यों दिखाऊं? अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? इधर पापा के पास आओ, उठ के लेटो। आपको क्या क्या अच्छा लगता है बताओ? वीडियो अच्छी लगती है। कौन सी वाली वीडियो अच्छी लगती है आपको? पिंक वाली। ये आपके बालों क्या हो गया? कौन सी वाली वीडियो अच्छी लगती है? पिंक वाली। ओहो अब डरा दो दादी को, डरा दो। मैशू गया, जब रात को सोना होता है ना इसे सब चाहिए कमरे में, जिसको ये देख लेगी वो कमरे में चाहिए, और वो कमरे से जाएगा तो ये रोएगी। नहीं यकीन तो मैं दिखाता हूँ। दादी जाना अपने कमरे में जाओ, दादी अपने कमरे में देख रहे हो। मैं सोऊंगी बेटा, अब सोना मत दादी को। नहीं दादी को जाने दो। कामाक्षी को सुबह जाना होता है, खुशबू को सुबह जाना होता है, तो उनको टाइम से सोना, क्यों ना तो सुबह 6 बजे उठना है। और ये मैडम वहाँ जाके शोर मचाती है और फिर क्यांशू जगा देती है इसी चक्कर में, तो इसको अब सुला के जाना पड़ेगा। ठीक है आपको सुला के दादी चली जाएंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सो जा मेरे बच्चे सो जा। A few moments later. परेशान कर दिया रात को?
हैं, मैं आज खाना बाहर खाना भूल गया, तो मैंने कहा मम्मी कुछ बना दो, मम्मी 12 बजे लग गई बनाने। ओ माँ जैसा कोई नहीं है, सच में खा के सो जाऊंगा। मैंने एक नई ट्रिक निकाली है, मेरे से ना उल्टा ना जा रहा था, टूट रहा था, तो इसको पलट के इसमें ऐसे पेला गया ऐसा। हाँ ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी वाली ट्रिक, इंस्टाग्राम पे देखी थी आपने? नहीं नहीं, मैं तो अपना खुद का दिमाग लगाया, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। हां ज्यादा मोटा कर दिया, लार के चक्कर में चले, मोटा खिला दूंगी, कोई नहीं अभी खा के सो जाऊंगा, सुबह मिलते हैं। नींद आ रही है आज, वैसे भी खाना मम्मी थोड़ी सी दे देना, एक घंटा ही, मैं 2 घंटे का ही सो रखा हूँ बस। मम्मी ने मेरे लिए उपमा बनाया है, हाँ एक उपमा, मैं कुछ खा के नहीं आ रही हूँ। उत्पम उत्पम तुम खा के क्यों नहीं आते रात के 11? मेरे दिमाग से निकल रही थी, आप वॉशरूम में थे तो मम्मी ने बोला, मैं सच में भूल गया। मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ जो टीचर स्कूल में बोलती थी ना खाना खाना भूले, जो होमवर्क भूल गए, आज बोल देता हूँ मैं सच में खाना खाना भूल जाता हूँ। सच में आप बाथरूम में थे, मैंने मजाक में मम्मी को बोला, मम्मी ने बना भी दिया, मैंने आपको बोला ही नहीं, मैंने मजाक में मम्मी को बोला मम्मी ने कुछ खाएगा, मैंने कहा हाँ खाऊंगा, मम्मी ने बनाई दी इतनी देर में, वो भग गई तुम्हारी चिरमटी बाहर। मायशु तू मिनट से पहले बाहर क्यों निकल जाता है, सोने का टाइम है ना, चलो अंदर, सुबह स्कूल जाना, अंदर चल, पिट्टी लग जाएगी, चल चल अंदर अंदर चल। मायशु पूरा दिन होता है खेलने के लिए बेटा, अब 12 बज रहे हैं, सोने का टाइम है, चलो मायशु चल अंदर चल अंदर चल, शायद मेरे से मार खा लेगी, देखो उसको बाहर ही जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, अंदर चलो अंदर चलो, शायद उसको बुलाओ ना। हाँ मैं भी आता, चलो ऊपर चढ़ो।